निश्चित रूप से इस प्रतिमा को आने वाली पीढ़ी जब देखेगी तो अटल जी के उस राजनीतिक जीवन की ओर भी उसका ध्यान जाएगा जिसने लोकतंत्र का राजनीतिक इतिहास का एक पाठ्यक्रम तय किया। उन्होंने राजनीति में स्वच्छता और शुचिता का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आने वाले समय में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सदैव उनको जाना जाता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त उस बटन की तरफ ले जाते हुए जिस बटन को दबा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस महामानव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 25 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा निश्चित रूप से लखनऊ वासियों के हृदय में बसी हुई है क्योंकि राजनीति में भी जब अटल जी यहाँ पर सक्रिय थे तो हर व्यक्ति यह समझता था कि वह अटल जी के नज़दीक है। कई बार यहाँ से सांसद रहे, जीत और हार में कभी अंतर न करने वाले, सदैव संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने में बसाकर जीने वाले, राजनीति को जो है एक नई दिशा देने वाले महान व्यक्तित्व जिन्होंने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक पाठ्यक्रम तय किया, उनकी प्रतिमा का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लखनऊ संसदीय क्षेत्र से सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके कैबिनेट के प्रमुख सहयोगी सब यहां पर मौजूद हैं। निश्चित रूप से 25 दिसंबर जो कि अटल जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर यह ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को और ऐतिहासिकता मिली है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह जो सचिवालय है, इस सचिवालय की भव्य इमारत में सबसे मुख्य द्वार पर अटल जी की यह प्रतिमा निश्चित रूप से वर्षों तक भारत के लंबे राजनीतिक जीवन को जीने वाले व्यक्ति और व्यक्तित्व को याद करेगी, उनके कृतित्व को याद करेगी। ये फोटो सेशन है, प्रधानमंत्री इस वक्त मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ और उनके वरिष्ठ सहयोगियों के साथ इस आज के दिन को याद करने के लिए, गौरव प्रदान करने के लिए यहाँ पर, और धीरे धीरे प्रधानमंत्री अटल जी की उस प्रतिमा की ओर बढ़ते हुए जहाँ पर वो नमन करेंगे अटल जी का। वास्तव में अटल जी एक राजनेता नहीं थे बल्कि वो विचार थे। उनके विचारों की साम्यवादी सोच में कहीं ना कहीं समाज का वह अंतिम व्यक्ति था जिसके लिए उन्होंने अपने सारे जीवन कार्य किया। उन्होंने अंत्योदय की उस योजना को भी आत्मसात किया जिससे देश के हर व्यक्ति का भला हो सके। आज ऐसे लंबे राजनीतिक जीवन को जीने वाले, भारत के लोकतंत्र को, लोकतंत्र में मूल्यों को स्थापित करने वाले अटल जी को याद कर रहा है, यह देश भी याद कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद कर रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। यह प्रतिमा सजीवता हमेशा लखनऊ को प्रदान करती रहेगी, साथ में भारतीय राजनीति को भी एक दिशा देती रहेगी। आज जब उनकी प्रतिमा के नीचे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, देश के रक्षा मंत्री सारे लोग उनका नमन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 70 वर्षों का जो भारत का आज़ादी का इतिहास रहा है उस इतिहास में अटल जी का क्या योगदान रहा है, उस योगदान को भी नमन किया जा रहा है। अटल जी लखनऊ में कविताओं में जीवित हैं, अटल जी लखनऊ में राजनीति में जीवित हैं, अटल जी लखनऊ के हर चौराहों पर जीवित हैं। एक पीढ़ी जिसने 70 वर्षों तक लगातार जो है देश की सेवा की, राजनीति को उसने जिया ही नहीं बल्कि राजनीति को अपने कृतित्व से उसे बल प्रदान किया, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की और ऐसे मूल्यों की स्थापना की कि यह आज़ाद भारत सबल होकर के दुनिया के सामने खड़ा है। आज उन्हीं अटल जी को याद करने के लिए यह उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री अटल जी को नमन करने के बाद लोकभवन में अंदर सभागार में, जहां पर लखनऊ में स्थापित होने वाले अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और यह चिकित्सा विश्वविद्यालय जो की सोच है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनकी सोच में है कि यह एक ऐसा विश्वविद्यालय बने, यह एक ऐसी रचना हो। प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो शिल्पकार हैं जिन्होंने अटल जी की इस प्रतिमा को गढ़ा है और इसे वो भव्य स्वरूप प्रदान किया है। राजकुमार पंडित नाम है इनका, इन्होंने एक लंबा जीवन जिया था, शायद वो प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री उस प्रतिमा को स्वीकार करने के लिए फोटोग्राफरों के करीब आते हुए उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल दोनों मौजूद हैं, मूर्तिकार की पीठ थपथपाते हुए
प्रधानमंत्री ने इस पीठ को थपथपा करके यह सुनिश्चित किया कि जो प्रतिमा उन्होंने गढ़ी है वह निश्चित रूप से अटल जी के व्यक्तित्व से मेल खाती है। सभागार में प्रधानमंत्री धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए जहां चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संकल्पना के अनुरूप यह चिकित्सा विश्वविद्यालय निश्चित रूप से 20,000 छात्र और स्टाफ के साथ जो है स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 50 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है, उसके लिए और आगे भी व्यवस्था चल रही है। निश्चित रूप से यह चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लोगों को, असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए एक मील का पत्थर होगा। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने आज अपने दिन भर के व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकाल करके अटल जी के याद करने के लिए, अटल जी को नमन करने के लिए उनकी कर्मभूमि पधारे। अटल जी की राजधानी लखनऊ कर्मभूमि रही है, यहीं से उन्होंने अपनी पत्रकारिता की, यहीं से उन्होंने अपनी राजनीति की और यहीं से उन्होंने राजनीति के उस शिखर तक पहुँचने का काम किया जहाँ तक लोग पहुँचने की राजनीति में संभव ही कम कल्पना करते हैं। अटल जी का पूरा राजनीतिक जीवन विचारों से भरा हुआ था। वो एक पत्रकार थे, वे एक कवि थे, वो एक साहित्यकार थे और राजनीति के एक मझे हुए नेता थे। और यही कारण था कि देश में जब बड़े निर्णयों की बारी आई तो अटल जी ने कहा कि केवल मेरा मृदु स्वभाव ही नहीं है, कठोर व्यवहार भी है। परमाणु परीक्षण करके यह दुनिया को बता दिया कि भारत उनके नेतृत्व में सबल है, निर्बल नहीं है और वह किसी भी तरह की ताकत के सामने झुकेंगे नहीं बल्कि पूरी ताकत से पेश आएंगे। लोकभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा इस लोकभवन में उत्तर प्रदेश से राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए हमेशा संस्मरण का विषय रहेगी, स्मरण का विषय रहेगी और निश्चित रूप से उनको राजनीतिक दिशा देती रहेगी। राजनीतिक दशा को, लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में अटल जी की यह प्रतिमा निश्चित रूप से यहाँ के राजनेताओं को हमेशा याद आती रहेगी। सांसद रहे, यहाँ के लोगों के साथ जो उनका जुड़ाव है वो आज इस सभागार में तमाम ऐसे लोग आए हुए हैं, उपस्थित हैं जो उनसे लंबे समय तक जुड़े रहे। श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी और श्रीमती कृष्णा देवी जी की संतान श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बीए विक्टोरिया कॉलेज, जिसे वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज कहा जाता है जो ग्वालियर में स्थित है, वहां से पढ़ाई की और एमए की पढ़ाई राजनीति विज्ञान में डीएवी कॉलेज कानपुर से की। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना भी की, वो उसके संस्थापक सदस्य थे। वे 1957 में दूसरी लोकसभा में सांसद निर्वाचित हुए थे और भारतीय जनसंघ देश के प्रधानमंत्री महोदय लोकभवन के सभागार में पधार चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मॉडल को समझने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय शनि मंच की ओर आते हुए, यह चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने को है। इससे लखनऊ के चक गजरिया क्षेत्र में स्थापित हो रहे इस विश्वविद्यालय से 356 मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज को संबद्ध किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री महोदय पधार चुके हैं। न तो हम कामये राज्यम, न स्वर्गम, न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थिनाशनम। आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंचासीन हैं। मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से कि वे कृपया प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र से अलंकृत कर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें।
एक जनपद एक उत्पाद का एक नमूना मुख्यमंत्री महोदय माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वर्ष 2022 में जब हम स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हों तब तक नव भारत का निर्माण हो चुका हो, स्वस्थ सशक्त और समृद्ध भारत।